गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको क्लास 7 के मैथमेटिक्स में अभ्यास 10.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से बताऊंगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में उसमें 8 तक बात कर लिया था। 9 क्वेश्चन आप जब आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको वहाँ पे लिखा मिलेगा कि प्रत्येक आकृति में x का मान बताइए, यानी जो भी आकृति यहाँ पर दी हुई है इसमें x की क्या वैल्यू होगी यही हमको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्ट में दिया गया है क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करता हूँ आपसे। देखिए, फर्स्ट पार्ट में आप देखोगे, मान लेते हैं देखिए जो ये चीज़ है आपका फिगर फर्स्ट, इसमें देखिए दोनों लाइन, ये लाइन जो है और ये दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट को के मान लेते हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ठीक, जब आपको मैंने बताया है जब दो रेखाएं किसी एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, ठीक है, मान लेते हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही हैं, किस कंडीशन में क्या होता है, किस कंडीशन में इसके आमने सामने का जो कोण बनते हैं, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों को हम लोग बोलते हैं क्या, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहीं मतलब जितना डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा उतना डिग्री का एंगल यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज कर लेना है। ठीक है, देखिए ये जो एंगल है यहाँ पे और ये जो एंगल है, ये दोनों शीर्षाभिमुख एंगल होने की वजह से बराबर होंगे। ठीक, तो हम कैसे इसको लिखेंगे, आइए इसको लिख करके देखते हैं। देखिए बेटा, इसके लिए क्या करोगे, देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 2x प्लस 30 इक्वल टू 3x माइनस 20 डिग्री, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों आपस में बराबर। ओके, इसके बाद क्या करोगे, आपको करना इतना है, जितने भी जो टर्म वेरिएबल के साथ है, वेरिएबल मीन्स जो एक्स वाई ए बी सी डी के साथ है, उसको हम इक्वल के एक साइड में करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल के दूसरे साइड में करेंगे। ठीक है, यही काम करते हैं। मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि जो एक्स टू एक्स का टर्म है, इस टर्म को हम लेफ्ट साइड से उठा कर राइट में शिफ्ट कर दें, और जो यहाँ पे माइनस 20 है कांस्टेंट टर्म, इसको यहाँ से पिकअप करके लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दें, और ये प्रोसेस कहलाता है पक्षांतर करना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पक्षांतर करना। अब देखिए हमने क्या किया, इस साइड में आपके पास 30, लेफ्ट साइड में 30 डिग्री आपके पास ऑलरेडी रहेगा, और जो है 20 को मैं इधर आ रहा हूँ, बाई तरफ लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ है, जैसे ही इधर साइड रहेगा जो है यहाँ पर नेगेटिव है, इधर पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस 20 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए राइट साइड में 3x ऑलरेडी मौजूद है, पहले से पता है। ठीक, अब क्या करना है, 2x को उठा के जो है राइट साइड में शिफ्ट कर देगा, लेकिन आपको मैं बताया हूँ अगर ये प्लस के साथ है, प्लस 2x है, तो राइट में जब जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करिएगा, जैसे सिंपली हम लोग सॉल्व करते हैं उस तरह का प्रोसेस यहाँ पे हम लगाएंगे, और जो सॉल्व करेंगे इसका x की वैल्यू निकाल के रख लेंगे। अब देखिए 30 प्लस 20 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 30 प्लस 20 आपको 50 मिल जाएगा, यानी कि 30 में जब 20 जोड़ेंगे तो 50 आएगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 3x में से 2x को हटा देना है, घटा देना है, सबट्रैक्ट कर रहा है, जाहिर सी बात है जब 3x में से 2x निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा, और यही x की वैल्यू हमको पता करनी थी, अर्थात x की वैल्यू आपको मिलनी कितनी, 50। ओके, आइए इसमें दूसरे को देखते हैं, दूसरे में देखिए क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लेते हैं पॉइंट 2 है, इस पॉइंट के इस साइड में यहाँ एंगल बना हुआ है और इस साइड में एंगल बन रहा है, लेकिन आपको बताया इस टाइप का जो कहीं भी एंगल बनता है तो दोनों एंगल का जो सम आता है, योग आता है, वो 180 के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक युग्म। ठीक, रैखिक युग्म जो कोण बनता है वो 180 का होता है, तो हम क्या करेंगे दोनों एंगल को जोड़ेंगे और 180 के बराबर रख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे करते हैं, इसको यहाँ पे मिलेगा आपको 3x माइनस 10 डिग्री प्लस, मैं दोनों को जोड़ रहा हूँ टोटल एंगल पता करने के लिए। ठीक है, 2x माइनस 20 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना होगा, ये 180 अंश के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि रैखिक युग्म बना रहे हैं, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि रैखिक युग्म है इसलिए 180 अंश के बराबर होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से
एक्स का मान उतना है 210 डिग्री, तो एक एक्स का कमी होगा, क्या होगा यहाँ से इंप्लाइड है यस इक्वल टू 210 अपॉन 5, यानी 210 में से 5 को भाग दे देना है, ठीक है। जैसे डिवाइड करोगे 5 × 20 एक बच गया, 10 × 5 = 10, यानी आपको मिला कितना यस की वैल्यू मिल गई 42 डिग्री, ठीक है। इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 10, करा के दिए गए चित्र में एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 के मान जो है ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको बताया है कि एंगल 4 की वैल्यू 140 डिग्री है, यानी एंगल 4 की वैल्यू आपको दिया हुआ है और 1, 2, 3 का आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊँ। देखिए मैंने आपको अभी कि वो होगा 45, क्यों, क्योंकि
45 में जब 45 जोड़ेंगे तो उसका भी कोड पूरा 45, 45 का कोड पूरा 45 और दूसरे 45 का भी कोड पूरा 45, यानी वो जो कोड होगी उस कोड की माप कितनी होगी 45 अंश, ठीक है, क्योंकि 45 और 45 जब जोड़ेंगे तो 90 अंश के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको खुद से कर लेना है। जो है अगला क्वेश्चन देखिए, उस कोड का क्वेश्चन नंबर 12 की बात करने जा रहा हूँ। एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।